डियर स्टूडेंट्स, हम आपके सामने एक टेंथ बेस्ड कंपटीशन एग्जाम में एक सिंपल सा क्वेश्चन देता हूं। प्राइम नंबर, अभाज्य संख्याएं या रूट संख्या, ओके। अब आप इसको जरा ध्यान से सुनिए। देखो, इनकी सीधी सी परिभाषा मैं आपको बोल के बताता हूं। वह प्राकृत संख्याएं जिनमें स्वयं और एक के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या का पूरा पूरा भाग न जाए, वे अभाज्य संख्या कहलाती है। बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है। ये डेफिनेशन पूछी नहीं जाती कंपटीशन एग्जाम में, लेकिन आपको मैं आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूं। देखो, जैसे यहां पर बता दूं, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 100, इस तरह से हमारे पास बहुत सारी अभाज्य संख्याएं होती है। 2 में 2 के अलावा और 1 के अलावा किसी संख्या का भाग नहीं जाता, 3 में भी किसी संख्या का भाग नहीं जाता, 5 में भी किसी संख्या का भाग नहीं जाता, 7 में भी 1 और 7 के अलावा किसी संख्या का भाग नहीं जाता। तो ये सभी क्या है, रूट संख्याएं, अभाज्य संख्याएं या प्राइम नंबर के एग्जांपल है, ठीक है। इसमें मैं बहुत कम समय लेकर आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूँ, जो आपको सबसे जो है किसी भी कंपटीशन एग्जाम में काम आते हैं। सबसे पहले पॉइंट है, 2 अकेली संख्या है जो अकेली सम संख्या है, 2 अकेली सम संख्या है जो अभाज्य है, 2 के अतिरिक्त सभी सम संख्याएं भाज्य होती है। 2 अकेली सम संख्या है जो अभाज्य है, 2 के अतिरिक्त जितनी भी सम संख्याएं होती है वो सभी क्या होती है, भाज्य होती है। अगला पॉइंट है, 1 न तो भाज्य है और न ही अभाज्य, 1 न तो भाज्य संख्या की श्रेणी में आती है न ही अभाज्य की संख्या की श्रेणी में आती है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1 क्या है, न तो भाज्य है न ही अभाज्य है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। ओके, अब आगे देखो अगला पॉइंट। 1 से 50 तक कुल 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। एक से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है, 15। कौन कौन सी होती है, देखो आप, 2, 3, 5, 7, 11, ये 5 संख्या है अभाज्य संख्या है। इसके बाद है 13, 17, 19, 23, 29, इसके बाद है 31, 37, 41, 43 और 47। ये 15 ऐसी अभाज्य संख्या है जो 1 से लेकर 50 तक होती है। इन अभाज्य संख्याओं के बारे में आप यहाँ पर देख लें। अगला पॉइंट है, 51 से 100 तक
कुल 10 अभाज्य संख्याएं होती हैं, 10 अभाज्य संख्याएं, कुल 10 अभाज्य संख्याएं होती हैं होती हैं। कौन कौन सी होती है देखो, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97। इस तरह से कुल 10 संख्या होती है, 5 और 5। देखो मैंने 5-5 का ग्रुप बना दिया ताकि आपको बहुत अच्छी तरह ये समझ में आ जाए। इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों का रिजल्ट क्या हुआ कि 1 से 100 तक, ये क्वेश्चन जो है ये कंपटीशन एग्जाम में आ चुका है कि 1 से 100 तक की प्राकृत संख्याओं में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं, होती हैं। 1 से 100 तक की प्राकृत संख्याओं में कुल कितनी अभाज्य संख्या होती है, 25 अभाज्य संख्या होती है। तो देखो सबसे पहले हमने अभाज्य संख्याओं की डेफिनेशन समझी कि जो किसी अन्य संख्या से डिवाइड ना हो, खुद के अलावा और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से डिवाइड ना हो, वे क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। दो अकेली सम संख्या है जो अभाज्य है, दो के अतिरिक्त जितनी भी सम संख्या है सभी भाज्य होती है, एक न तो भाज्य है न ही अभाज्य है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। 1 से 50 तक कुल 15 अभाज्य संख्या होती है, 51 से 100 तक कुल 10 अभाज्य संख्याएं होती हैं और 1 से 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। ये लगभग आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए, अब इसमें एक क्वेश्चन है जो मैं समझता हूँ, वैसे तो कम नहीं आता कंपटीशन एग्जाम में, लेकिन अपन समझते हैं कि पता कैसे चले, पता कैसे चले कि संख्या अभाज्य है या भाज्य, पता कैसे चले। देखो मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल 443 ले लिया मैंने कि 443 जो है ये अभाज्य है या भाज्य। देखो 443 जो है, देखो 21 का जो स्क्वायर है, 21 का 443 जो है ना, 443 वो बड़ा है 441 से, जस्ट 441 से बड़ा है। तो 21 का जो स्क्वायर है वो कितना होता है, 441 होता है। तो इसका मतलब 21 तक की सभी अभाज्य संख्याओं, अभाज्य संख्या अपन लेते हैं अभाज्य संख्या, 21 तक की सभी अभाज्य संख्या, ठीक है, कौन कौन सी, देखो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और 21, ठीक है। 21 तो नहीं है, सॉरी 21 तो भाज्य संख्या है, 21 से छोटी जितनी भी अभाज्य संख्या है 21 तक की सभी अभाज्य संख्या लेंगे, 2 से इसमें डिवाइड करेंगे, 2 से 443 डिवाइड नहीं होता, 3 से देखेंगे, देखो 3 से देखो 4, 4, 8, 8 और 3, 11 अंकों का योग 3 से विभाजित नहीं है, इसका मतलब 3 से भी ये विभाजित नहीं होगा, 5 से हो ही नहीं सकता क्योंकि इकाई का अंक इसका क्या है, 0 और 5। 7 से देखो आप, 7, 6, 42 7 से भी नहीं होगा, 11 से देखो, 11 से भी नहीं होगा, 11, 4, 44, 3, 5, 4, 13 से देखो, 13, 3, 40 ठीक है, 5, 13 से भी नहीं होगा, 17 से देखो, 17, 2, 34 17 से भी नहीं होगा, 19 से देखो, 19, 2, 38 6, 3, 19 से नहीं होगा। देखो इसका फॉर्मूला क्या है कि 441 जो है वो लगभग 443 जो है वो 441 से क्या बड़ा है, 441 जो है 21 का स्क्वायर है, तो 21 तक के जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं उनसे इस संख्या को क्या करेंगे, डिवाइड करके देखेंगे, इसका मतलब ये किसी से भी डिवाइड नहीं होता है, अतः 443 क्या है, अभाज्य संख्या है, क्या है, अभाज्य संख्या। एक और एग्जांपल लेते हैं, मैंने लिया 173,
173 जो है ना, देखो 13 का स्क्वायर 14 का स्क्वायर जो है ना वो 196 होता है, तो 173 जो है 196 से जस्ट लेस देन लगभग छोटा है स्क्वायर के रूप में। तो 14 तक की अभाज्य संख्या लेंगे, सभी अभाज्य संख्या हम लिखते हैं, पहले अभाज्य संख्या लिखते हैं 2, 3, 5, 7, 11 ठीक है 13। तो देखो 2 का इसमें डिवाइड हो नहीं रहा है, 3 से देखो, 3 से भी नहीं हो रहा है, 2 से भी नहीं हो रहा है, 3 से भी नहीं हो रहा है, 3 × 15 नहीं हो रहा है, 5 से तो होगा ही नहीं, 7 से देखो, 7 × 2 = 14 सात तीन नहीं होगा, 11 से देखो, 11 × 11 = 4 से भी नहीं हो रहा है, 13 से देखो, 13 से भी नहीं हो रहा है। मतलब 14 से छोटी जितनी भी अभाज्य संख्या है उन सभी का 173 में भाग नहीं जा रहा है, अतः 173 एक अभाज्य संख्या है। तो इस तरह से हम पता लगा सकते हैं कि कौन सी संख्या भाज्य है और कौन सी संख्या अभाज्य है। मैंने आपको जितनी भी बातें बताई अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या में से, इनमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में बनता है, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। आपको यदि ये समझ में आ जाए तो आप इस वीडियो को क्या करना, सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू।